फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुटियर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं पाव भाजी चीज फोंड्यू की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। पाव भाजी चीज फोंड्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम चीज सॉस तैयार कर लेते हैं पाव भाजी फ्लेवर का। तो इसके लिए मैं सबसे पहले गैस ऑन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर, इसी के साथ में इसमें ले रही हूँ 2 टीस्पून ऑयल, इसी के साथ में इसमें डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ लहसुन। तो यहाँ पे पेस्ट नहीं लेना है। इसी के साथ इसमें ले रही हूँ 1/2 टेबलस्पून अदरक, इसे भी मैंने एकदम फाइन क्रश कर लिया है। इसी के साथ मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बड़ा प्याज और इसे हाई फ्लेम पर हम सौते कर लेते हैं। ये जो फोंड्यू है आप बच्चों की बर्थडे पार्टी में रख सकते हैं, इवन आप कोई भी हाई टी मेन्यू में भी रख सकते हैं। कोई भी पार्टी के लिए एकदम बेस्ट है और पाव भाजी का फ्लेवर ऐसा है कि सबको पसंद आता है, तो ये फोंड्यू सबको पसंद आएगा। और आपको खास ध्यान रखना है अनियन, गार्लिक, ग्रीन चिली और अदरक तीनों को साथ में डाल के ही इसे सौते करना है, और हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, इसे भी हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इसे हाई फ्लेम पे सौते करते हैं तो अनियन, गार्लिक, ग्रीन चिली और कैप्सिकम में एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है जो फोंड्यू को बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार। नमक हम थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारा चीज़ यूज़ करने वाले हैं, तो चीज़ में काफ़ी मात्रा में सॉल्ट रहता ही है, नमक रहता ही है। अब हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे, टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए तब तक पकाना है। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, इसी के साथ इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला। वापस इसे अच्छे से पका लेते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और सारे मसाले अच्छे से टमाटर के साथ घुल गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। तो यहाँ पे मैं 1/2 कप पानी ले रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कप दूध, और यहाँ पे मैंने फुल फैट दूध लिया हुआ है। इसी के साथ मैं इसमें ले रही हूँ ग्रेटेड चीज़, यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ लिया हुआ है, ये मैं डाल देती हूँ 1/2 कप। चीज़ का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जस्ट थोड़ा सा उबालेंगे ताकि सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से उबल चुका है। गैस ऑफ कर लेते हैं और एक बोल में निकाल लेते हैं। अब हम इसे जस्ट टर्न कर लेते हैं। मिक्सर हमारा ब्लेंड होके रेडी है। अब हम वापस इसे हल्का सा गर्म कर लेते हैं। वापस हम दूध डाल देते हैं 1/2 कप, और इसी के साथ इसमें डाल देते हैं मोज़ेरेला चीज़। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून, और एकदम धीमी आंच पर हम थोड़ा अच्छे से पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो फोंड्यू का मिक्सचर है हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अभी हरे लहसुन की सीज़न है, ये भी मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून। लास्ट में हम डाल देते हैं फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पे मैं 1/4 कप ले रही हूँ, इसी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। पाव भाजी चीज़ फोंड्यू नाम दिया है तो इसमें ये काफ़ी सारी मात्रा में चीज़ और पाव भाजी का अच्छा सा फ्लेवर होगा। ये चीज़ सॉस हमारा रेडी है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो अब हम पाव तैयार कर लेते हैं फ्लेवर वाला। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून बटर लिया हुआ है, इसमें मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला, जस्ट हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी है। तो
तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पाव भाजी के पाव, और इसे मैं बीच में से कट कर लेती हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम गार्लिक बटर लगा लेते हैं। अब हम इसे शेक लेते हैं, दोनों साइड हमें अच्छे से इसे शेकना है, जस्ट हल्का सा क्रिस्पी हो जाए उतना हमें शेकना है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर आ चुका है। नीचे की साइड भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो पाव हमारा रेडी है, इसे निकाल देते हैं। इसके ऊपर भी हम हाफ बटर लगा देते हैं, जो हमने पाव भाजी फ्लेवर का बनाया था वही है। तो ये पाव भी हमारे रेडी है, गैस ऑफ कर लेते हैं। अब हम इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं ताकि सर्व करने में इजी रहे। एक पाव के 4 टुकड़े कट करना है। जी, पाव भाजी फोंड्यू हमारा रेडी है, इसे फोंड्यू पॉट में सर्व कर लेते हैं। इसे हमने सर्व किया है मसाला पाव के साथ। ये है हाफ ब्रेस्टिक, इसे हमने सर्व किया है खारी स्ट्रो के साथ। ये है प्लेन खाखरा, इसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे हमने वॉल्वो के साथ भी सर्व किया है। तब देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है पार्टी के लिए। एकदम परफेक्ट और यम्मी पाव भाजी चीज फोंड्यू हमारा रेडी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हमारी और एक चैनल है फूड क्यूट्योर बाय जूनियर शेफ, आप इसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।